सिंस हमारे पास नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ये हमने प्रूफ करना है कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है कॉस एक्स। मैं यहाँ पे चेंज लाऊंगा डेल्टा वाई की, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट से कॉस एक्स के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स चूँकि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वाई है, और वाई जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। अब इस वाई की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास थी कॉस एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास थी कॉस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा ये कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस बीटा, जो कि हमारे पास किसी को होता है माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय टू, और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय टू। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन यहाँ पे हमने यूज़ करना है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन अल्फा हमारे पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, चूँकि ये हमारे पास सारा अल्फा है ये एक्स वाला बीटा है, प्लस एक्स बीटा डिवाइड बाय टू, और साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय टू। ये एक्स एक्स से कट जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमारे पास एक्स और एक्स टू एक्स हो जाएगा, और प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टू। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टू। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने डिवाइड करना है डेल्टा एक्स के साथ, थर्स्ट अब हमारे पास होता है डिवाइड डेल्टा एक्स। बोथ साइड को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू साइन, यहाँ पे स्टूडेंट टू टू से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टू, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स सिंपल था मतलब कि सिंगल था, और यहाँ पे टू इस पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टू। यहाँ पे आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टू, और डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा एक्स, उस टू से वाला टू यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टू। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक्स साइन का एंगल होता है और सेम ही वही हमें नीचे भी बनाना पड़ता है, तो ये हमने टू यूज़ करके ये वाले सेम फॉर्म बना ली। अब जब अप्लाई करेंगे लिमिट को दोनों तरफ, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स पे भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय
टू, इसी तरह से आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बाय एक्स सॉरी टू, ये डेल्टा एक्स बाय टू था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पता है ये हमारे पास जो रिलेशन होता है साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स एंड एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो तो ये होता है वन के इक्वल, तो ये वाली सारी टर्म वन हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि हम जब अप्लाई करते हैं लिमिट को तो ये हम इसको ये किस में कन्वर्ट हो जाता है डेरिवेटिव में, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स, चूँकि ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो और डॉट ये वाली सारी टर्म हो जाएगी वन, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो हमारा प्रूफ हो गया कि डी बाय डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ करते हुए जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं उसके ज़रिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया।